आपने किसी जगह पे एक सीक्वेंस लिखा वन एंड टू, वन टू के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके हिसाब से नीचे सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है ड्रैग करने पे। लेकिन कई बार मुझे ड्रैग ना करके ऑप्शंस का यूज करना होता है, तो मैंने एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया और आपके इसी में फिल के अंदर जाते हैं। फिल में आपके यहां होता है सीरीज, सीरीज में यहां पे बाय डिफॉल्ट लीनियर सिलेक्ट है, स्टेप वैल्यू यहां पे 1 आ गया और स्टेप स्टॉप वैल्यू मान लीजिए मुझे 10 तक का सीक्वेंस बनाना है, यहां आपको 10 तक का सीक्वेंस बना के दे देगा। वापस सीरीज में जाते हैं, मुझे यहां पे स्टॉप वैल्यू ने जितना सिलेक्ट है सब में सीक्वेंस बना दे, वो इस तरह से सीक्वेंस बना देगा। लेकिन मुझे और नंबर चाहिए, मैं चाहता हूं 1 3 5 इस तरह से हो, तो सीरीज में आप यहां जो स्टेप वैल्यू 1 के जगह पे 2 कर दे तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। उसके अलावा आप यहां लीनियर के जगह पे ग्रोथ सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहां पे 2 कर देता हूं तो हर नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन एक चीज है जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है डेट। अब किसी डेट को इस्तेमाल लीजिए, मुझे अक्टूबर का डेट ही डालना है तो 1-10 डाला और मैं नीचे की तरफ जब ड्रैग करूंगा तो ये पूरा डेट आता है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा सैटरडे एंड संडे का डेट ना, या फिर हर महीने की एक डेट मतलब पहली तारीख की आए, इस तरह की चीजें आपको करनी है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहां सिलेक्ट करते हैं, जाते हैं सीरीज और यहां पे हम डे, डे है तो जो नॉर्मली हम ड्रैग करते वो आएगा, वीक डे सिलेक्ट कर लिया तो फिर इसमें सैटरडे एंड संडे का डे छोड़ के बाकी डे सारा आएगा। सैटरडे एंड संडे के अलावा अगर मैंने यहां पे मंथ दे दिया, वी मंथ दे दिया तो हर महीने की पहली डेट आएगी, ईयर दे दिया तो हर महीने हर ईयर भी आपका यहां पे इंक्रीज होगा। तो सीरीज का इस्तेमाल इन चीजों के लिए करते हैं।